श्री गुरु नानक देव जी दे चरण छू प्राप्त धरती कस्बा डेरा बाबा नानक विखे गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब डेरा बाबा नानक दी नवी बनाई इमारत ते गुमंद ते सोने दे पत्रे लगाउण दी कार सेवा चल रही है। उत्ते अज बाबा सेवा सिंह जी खडूर साहिब वालियां दे वल्लों इस सेवा दा अगला पड़ा शुरू किया गया। उत्थे ही उन्होंने दस्सिया कि महाराजा रणजीत सिंह दे राज तों बाद हुण हो रहे ए सोने दी सेवा। इस मौके पत्रकारां नूं जानकारी दिंदिया बाबा सेवा सिंह जी खडूर साहिब वालिया ने दस्सिया कि इस गुरद्वारा साहिब की नवी इमारत बनाउण की कार सेवा SGPC दे वल्लों की गई है अते उस उपरंत उस विच सोने की सुंदर पालकी सुशोभित की गई है अते हुण लगातार संगतां दे सहयोग दे नाल नवी बनी इमारत दे गुमंद ते सोने दे पत्रे लगाउण दी सेवा पड़ा दर पड़ा कीती जा रही है। उन्होंने दस्सिया कि महाराजा रणजीत सिंह दे राज च इह सेवा होई सी अते हुण उस तों बाद हो रही है जिस दे करीब 10 तों 12 किलो सोना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सानू संगतां दा पूर्ण सहयोग मिल रहा है। असीं संगतां नूं अपील करदे हाँ कि इस चल रहे सेवा दे महाकुंभ दे विच वध चढ़ के सेवा विच हिस्सा पाउण ते गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करन। इस नाल ही विशेष तौर ते गुरुद्वारा साहिब च इतिहासिक खूह दी कार सेवा भी चल रही है अते बाबा सेवा सिंह जी ने दस्सिया कि इस खूह नूं पुरातन दिख दी दित्ती जाएगी। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पावन धरती डेरा बाबा नानक साहब है गुरद्वारा श्री दरबार साहब जो गुरु नानक देव महाराज के मार्ग चरण छू प्राप्त पावन धरती है तो उन्होंने समर्पित काफ़ी लंबे समय तो कार सेवा खडूर साहब वालों सेवावान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सौंपी हुई समय समय जिमें सरोवर की सेवा दवान हाल की सेवा लंगर हाल की सेवा सरावान दवावान हम मेन दरबार साहब की सेवा हम उत्ते जोड़ा उपर गुमद आते हम सोने की सेवा शुरू हुई है काफ़ी चर तो वो समय समय पड़ा दर पड़ा लगती जा रही है। तो यह सोना सब तो पहला महाराज रणजीत सिंह ने राज वेले उन्होंने अपने राजकाल वेले इतने ये सोना लवाया जो हरिमंदर साहब हरिमंदर साहब सोना इतने एक घा च लगा सारा तो हम दोबारा दी उत्ते दोबारा सोने की सेवा संगत हो रही है। हाँ जी, खूह साहब जिहड़ा बाबा जित्ता रंधावा जी जो गुरु नानक देव जी का मिलाप होया तो उत्थे उन्होंने गोश्त की बैठे तो उहदी भी पुरातनतम दिख रहे सरदार रजिंदर सिंह जी बाठ जिहड़े पुरातन विभाग के डायरैक्टर सेवा मुक्त होए ने तो उन्होंने देख रेख थले आ के उहदी पुरातनता नवीनता नाल तैयार करके तो भी हुण आउणे समय च बहुत जल्दी संगतां नूं समर्पित होएगा ताकि पुरातन टिंडा खूह जो पिछला समय चलता वो पानी बारे गुरु की बख्शिश आ भी इतने जल तकरीबन 12-13 फुट खूह के पानी जल जी खड़ा जी सब पंजाब के खूह तकरीबन लगभग पानी समाप्त हो गया पर इतने तो गुरद्वारा उठिया साहब अजय पातशाह स्थान दोनों के खूह के जल उस तरह बरकरार है। ये पालकी साहब पहले थले शोभ तो सी उन्होंने लगभग 4 किलो सोना लगा सी पालक साहब इन्होंने गुमद के उत्ते वेखो समय से 10 तो मतलब 12 किलो के अनुमान है भी गुमद के उत्ते क्योंकि तो पहला सोना लगा सी इहदे उपर होर सोना लगाना तो 10-12 किलो लगभग सोना इत्थे लगी गया। ये देखो गुरु की बख्शी तो संगत सहयोग ना जिमें जिमें गुरु का कृपा हो संगत सहयोग दे गया तिवें तिवें सारा तीजे पड़ा की शुरू सेवा की आ पहला कलश मोजबान लगा सी फिर गलवान लगा थले हुण इहदा मेन जिहड़ा वड्डे वड्डे पत्थर वो शुरू होए ने ते संगतां दा बड़ा सहयोग मिल रहा ते गुरु बख्शी करे मतलब जिवें जल्दी हो सके आपां हर कोई कार्ज ते नेपरे चाढ़ना दा भावें वह किस तरह होए ते गुरु की बख्श नाल जल्दी चढ़ेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा।